catch this happy festival. Showing off, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight, better off. I'm gonna find my way tonight. Wait. पहले हम गैस को चालू करते हैं. गैस चालू हो गया है और मटन हम मिट्टी की हांडी में ही बनाएंगे. संडे है आज, तो आज मज़ेदार मिट्टी के हांडी में ही एकदम बढ़िया टिपिकल मटन करी बनाएंगे. मेरी मिट्टी की हांडी गर्म हो रही है अभी. मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच हम ऑयल डालेंगे. इसमें मैं थोड़े 2 इलायची डालूंगी. ये 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, बिल्कुल थोड़ा ज़ीरा लिया है. ये 4 मिरे लिए हैं और 4 लौंग लिया है. इनको अच्छा हम गरम होने देंगे, तड़कने देंगे. आज हम बिल्कुल हर चीज़ को कच्चा ले रहे हैं, क्योंकि मैंने प्याज भी भूंदा नहीं है, इसको फ्राई नहीं किया है. ये बिल्कुल मैंने कच्चे प्याज को ही क्रश किया है और एकदम बारीक मैंने कर लिया है प्याज को. अभी हम ये प्याज को अच्छी तरह से भूंदेंगे. ये मैंने 3 बड़े वाले प्याज लिया है, अच्छे बड़े साइज के प्याज है. वो प्याज को मैंने, ये प्याज को भी हमको अच्छे से भून कर ब्राउन करना है, तो इसको कम से कम 5 मिनट तो लगने वाले हैं. इसको कलर आना है, थोड़ा ब्राउन कलर लाएंगे हम इसी तरह तेल में भून कर. 5 मिनट हो गए हैं हमारे प्याज को फ्राई करते हुए. चलो अभी हम दूसरा डालेंगे. ये मैंने 3 इंच का अदरक का पीस लिया है, 15 से 20 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, 6 हरी मिर्च लिया है और कोथमीर लिया है. तो ये मसाले को भी हम इसमें डालेंगे. देखिए मैंने ये भी इसको पीसा नहीं है, इसको भी मैंने क्रश किया हुआ है. और ये 1 टमाटर है, टमाटर को भी मैंने क्रश किया है. ये भी हम इसमें डाल के अच्छे से इसको फ्राई करेंगे. और ये है 1 टेबल स्पून कांदा लहसुन मसाला, तो हम कांदा लहसुन मसाला भी ये मसाले में डाल के इसको भून लेंगे. बाकी ये जो दूसरे मसाले है, मैं थोड़ा ये मसाले भूनने के बाद डालूंगी. चलो ये मसाला मेरा फ्राई हो रहा है, उसके बाद हम ये सब डालेंगे. ये 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, ये हल्दी इसमें मैं डालती हूँ. ये लाल तीखा मिर्च है, ये भी 1 बड़ा टेबल स्पून है, ये भी मैं इसमें डालूंगी. ये 1 बड़ा टेबल स्पून धनिया है, ये भी हम इसमें डालते हैं. ये गरम मसाला है, गरम मसाला भी हम इसमें डालेंगे. ये घर का गरम मसाला बना हुआ है. चलो हम इसको अच्छे से अभी पका लेंगे सब मिर्ची मसालों को. और इनको पकने के लिए मैं थोड़ा इसमें पानी 1 चम्मच डालूंगी. ये जो चम्मच है इसमें हिसाब से लेकर मैं थोड़ा मसाला भूनने के लिए पानी डालूंगी. ये 2 चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है और इसको हम अच्छे से भूनेंगे. पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि नीचे ना लगे, हमारे जो चुपके मसाले हैं वो नीचे ना चिपके और हमारा जला हुआ स्मेल नहीं आना चाहिए. इसके लिए मैं थोड़ा पानी डाल के मसाले को अच्छे से भूनती हूँ. मसाला हमारा एकदम बढ़िया भून चुका है और तेल भी उसमें बहुत अच्छे से छूट गया है. देखिए तेल भी इतना बढ़िया बाहर आ गया है मसाले से. अभी हम इसमें अपना बॉईल किया हुआ मटन डालेंगे. ये
ये मैंने बॉईल किया था, कुकर में बॉईल किया है, 4 से 5 कम आँच के ऊपर सीटी लगाई है। आप सोचते होंगे आंटी हमेशा बॉईल करके ही मटन बनाते हैं, तो मटन को नरम ही खाने में मज़ा आता है, बिल्कुल गला हुआ। वो कच्चा मटन कोई खाता है, कोई फेंक देता है, उसमें कुछ मज़ा नहीं आता है। इसमें सूप भी आ जाता है, मटन भी आता है, और अच्छा हुआ गला खाने में मज़ा आता है। तो चलो मैं ये मसाले में हमारा मटन और सूप डालती हूँ। थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ी हल्दी डालो, और आराम से इसको कम आंच के ऊपर कम 4 सीटी ले लो, और उसको 5 मिनट तक के ऐसा ही बंद पर छोड़ दो। तो देखो हमारा मटन कितना बढ़िया गल जाता है। देखिए मसाले में मटन को हमको कम से कम 5 से 7 मिनट तक के पकाना है। तो चलो अभी मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालती हूँ। पहले भी मैंने बॉईल करते टाइम नमक डाला हुआ है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा नमक कम डालूँगी। तो ये देखिए मैं हाथ से नमक डालती हूँ, तो समझ में आता है कितना हमको नमक डालना है। लगता है बाद में तो हम डाल सकते हैं। तो चलो इसको मैं नमक को अच्छे से मिला लेती हूँ। धीमी धीमी आंच पे हमारा मटन एकदम रेडी हो गया है। अभी हम इसमें कोथमीर डालेंगे। चलो अभी हम गैस को बंद करते हैं और हम प्लेट बनाएंगे। हमारी स्पेशल संडे मटन थाली बनके रेडी हो गई है। तो चलो मैं संडे मटन थाली में क्या क्या बनाई हूँ आपको बताती हूँ। तो ये मटन करी है, ये राइस है, ये रोटी, ये रायता, ये दही और हमारा अनार का रायता है, ये है टमाटर, ककड़ी, प्याज और ये है हरी मिर्च। ये हमारी एकदम बढ़िया संडे मटन थाली बनके रेडी हो गई है। तो चलो आप भी आ जाइए मेरे साथ संडे मटन थाली खाने के लिए, और इस तरह से मटके में आप भी बनाएंगे तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे खाकर। तो आपसे मुझे कुछ कहना है, तो क्या कहना है आपको, तो थोड़ा पता होगा कि मैं हमेशा लास्ट में क्या कहती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थोड़े से मुझे कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये मेरे जो रेसिपी है इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाकर खाइए और मज़े लीजिए, और अपने फैमिली को भी खिलाइए और खुश हो जाइए। चलो मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के बाय।